आप सभी को नासिक से किरण प्रकाश भट्टारे का नमस्कार और जय तुलसीराम। अभी हमारे सामने जो बैठे हैं सोनिया जी है हरियाणा से, जो एनडीएस त्रिसूत्री साधना पूरे ईमानदारी से फॉलो कर रहे हैं, तो वो अपना अनुभव शेयर करने जा रहे हैं। तो मैं सोनिया जी को विनती करता हूँ कि आप अपना अनुभव दिल से बताइए कि आपने कैसे रसार किया, कैसे प्रॉब्लम थे और आप कैसे हमसे जुड़े, ये क्या क्या है, वो सब कुछ आप अपने अनुभव को शेयर कीजिए। नमस्कार जी, मैं सोनिया हरियाणा से। मैं किरण वटारे सर की बहुत शुक्रगुजार हूँ। ऐसे ही एक बार बैठे बैठे एक साल पहले मैं यूट्यूब देख रही थी, तो देखा किरण सर की वीडियो है, मुझे लगा कि इनको सुनना चाहिए। इनको सुन के सुना मैंने, इन्होंने एनिमा पोर्ट के बारे में वो वीडियो था और उसमें उन्होंने मुझे एनिमा पोर्ट के बारे में बताया, तो मुझे लगा कि अरे ये तो बहुत गजब की चीज है, ये हमें यूज करके देखनी चाहिए। जब ऐसे ही कब्ज, गैस, इन प्रॉब्लम से हम प्राकृतिक तौर से छुटकारा मिल सकता है हमें, तो क्यों नहीं। तो मैंने किरण वटारे सर जी से एनिमा पॉट ऑर्डर किया और एनडीएस सिस्टम को सारा समझ के लगा कि ऐसे नेचुरल तरीके से हम एक एक करके अपनी बीमारियों को कैसे खत्म कर सकते हैं। तो मैंने एनडीएस सिस्टम फॉलो करना शुरू किया। जैसे जैसे मैं एनडीएस सिस्टम फॉलो करती गई, मैंने अपने पूरे परिवार को एक एक करके, सारे मेरे हस्बैंड हैं, मेरे बच्चे हैं, उनको समझाना शुरू किया कि बेटा ये चीजें, हमें अच्छी चीजें शुरू करनी चाहिए। एनडीएस फॉलो करते करते लगने लगा कि अब धीरे धीरे करके समस्याएं शायद खत्म हो रही हैं। मैं आपको बताती हूँ अपना एक्सपीरियंस। 3 साल पहले मेरे पापा कैंसर से गुजर गए थे, तो जब वो उनकी कैंसर से डेथ हुई तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा सदमा था। मतलब वो इतने स्वस्थ थे कि मैं नहीं सोच सकती थी कि वो 100 साल से पहले जाएंगे, लेकिन जब वो गए तो हमारा पूरा परिवार हिल गया। हिलना मतलब आप मानेंगे, एक एक चीज दिमाग में क्या हिट हो रही थी कि कैसे बीमारियां एक इंसान को लेके जा सकती हैं और क्यों लेके जा रही हैं। वो हमारे परिवार का एक सदस्य है, लेकिन उनके जाने के बाद इतना दिमाग में इतना टेंशन हो गई थी कि क्या करें, जो ये बीमारियां आए ही ना, कैसे लड़े इन बीमारियों से। डॉक्टर्स, आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो डॉक्टर्स आपका इलाज करने के लिए आपको दवाइयां देते हैं, लेकिन वो दवाइयां देते तो हैं, साथ के साथ हमें इतना डरा देते हैं कि मतलब हम वो उस बीमारी से नहीं, उस डर से ही मर जाते हैं। तो जैसे वो लोग, मेरे पापा चले गए, और उसके बाद फिर हमने सबने सोचा कि नहीं, बस अब और परिवार में हम हानि होने नहीं देंगे। तो मेरे पापा के जाने के बाद हमने धीरे धीरे एनडीएस सिस्टम किरण वटारे सर जी को देख के और उनकी वीडियो सुन के एनडीएस सिस्टम फॉलो करना स्टार्ट किया। आप मानेंगे ही नहीं, मतलब दिल, दिमाग, शरीर सब इतना खुश रहने लग गया कि लगा कि अब जीवन बदल गया है। आप किरण सर के बारे में क्या बताऊं मैं, मतलब आप लोग मानेंगे क्या? आप मुझे ये बताइए कि आपको जो रसार का ये रास्ता मिला, आपने वीडियो देखा, हमारा सौभाग्य है कि आपने हमारी बातों पर यकीन किया। तो जब आपने शुरू किया तो उससे पहले क्या तकलीफ थी और आपने रसार किया, मतलब उसमें दिनचर्या कैसी रखी और आपको यकीन कैसे आया कि ये सही है? देखिए, यकीन करने के लिए अगर आप मुझे पूछते हैं यकीन कैसे आया, क्या सही और गलत जानने के लिए भी, मतलब हम लोग इतने भी कैपेबल नहीं है कि हमें ये पता चले कि क्या वो इंसान सही बोल रहा है या गलत। जब इंसान सही बोलता है ना, तो उसका सिर्फ मुंह ही नहीं बोलता, उसका पूरा शरीर बोलता है, उसकी आंखें बोलती है, उसका दिल बोलता है। और जब वो सही होता है ना कोई इंसान, तो मतलब हमें पता चलता है कि वो सही कैसे बोल रहा है। मतलब वो इतना खुश होता है, इतना, मतलब जब मैं सच बताऊं, जब मैं आपको देखती हूँ, आपकी बातों पे यकीन क्यों होता है, क्योंकि आप सच बोल रही हैं, वो पता चल रहा है। आपकी आंखों में एक अलग से खुशी होती है। वो खुशी क्यों होती है? क्योंकि आपने बीमारियों को ठीक करने का अनुभव लिया है।
वो अनुभव आपका बोलता है, आपका अनुभव ये बोलता है कि मैं ठीक हुआ हूं और आप लोग भी हो जाइए, कुछ नहीं है बीमारियां। सही बात है। तो आपने रसा चालू किया, तो आपको दिनचर्या आपने कैसे रखी? सुबह उठने के बाद 12 बजे तक का उपवास आपसे हुआ या आपने 1 घंटा 2 घंटा धीरे धीरे पढ़ाया? जी, मैं मुझे एनडीएस फॉलो करते हुए 1 साल हो गया, और जैसे ही मुझे एनडीएस के बारे में पता चला था तो मैंने वैसे ही तुरंत ही पशुजन्य आहार बंद कर दिया था। मैंने दूध बंद कर दिया, मेरे 15-15-16 साल के 2 बच्चे हैं, मतलब मुझे परिवार से बहुत दिक्कतें आई। दूध बंद कर रहे हो, अरे दूध के बिना तुम कैसे जियोगे? दूध, दही, घी, मक्खन, पनीर सब कुछ तो खाने लायक है, तो क्यों बंद कर रहे हो तुम? तो लेकिन मुझे था कि नहीं, आपको इस बारे में नहीं पता, लेकिन जो हम बीमारियों की तरफ बढ़ रहे हैं वो हमें खत्म करनी है। तो 1 साल हुआ मुझे ये दूध बंद किए हुए, अपने बच्चों को एनडीएस का फॉलो करते हुए। मैं सुबह, जैसे सुबह उठती हूँ, उठने के बाद हम लोग, जैसे शुरू शुरू में तो मैंने 10 बजे तक 14 घंटे की फास्टिंग की। 14 घंटे की फास्टिंग करने के बाद फिर मैं अपने बच्चों को और अपने पति को, और हम 4 जन हैं अपने परिवार में, हम लोग चारों फिर ग्रीन जूस लेते थे। ग्रीन जूस लेने के बाद फिर धीरे धीरे ग्रीन जूस, उसके बाद फिर हम लोग कोई भी फ्रूट जूस लेते, कोई जैसे फ्रूट्स की स्मूदी बना के लेते हैं, सारे ड्राई फ्रूट्स डाल के, दोनों टाइम एनीमा करते हैं, रात को वेजिटेबल जूस लेते हैं। तो ऐसे करके मैं अपनी दिनचर्या पूरी करती हूँ, जो मुझे रात को जब मैं सोती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि आज का दिन अच्छे से गया, अब कल का चला जाए अच्छे से। मतलब पूरा शरीर हल्का लगता है, पूरा एनर्जेटिक लगता है। ऐसा तो नहीं कि आपने कल तक पकाया खाया और आप एकदम कच्चे पे आ गए, तो आपको ऐसा डर तो नहीं लगा कि मुझे कहीं चक्कर आएगा, थकान आएगी, मैं काम कर पाऊंगी क्या? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मतलब जैसे जैसे मैंने, जैसे जैसे जितना ज्यादा मैंने फॉलो करना शुरू हुआ किया, वैसे वैसे मतलब उतना मुझे अनुभव इतना अच्छा हुआ। बोलते हैं जैसे थोड़ी दिक्कत आती है कि कहते हैं 2-3 दिन थोड़ी वॉमिटिंग आती है, थोड़ा चक्कर आते हैं, लेकिन भगवान की दया से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये सब अपने मन के ही बहम है बनाए हुए। थोड़ी दिक्कतें आती है लेकिन ऐसा नहीं है कि जरूरी है, ये सब चीजें बस इंसान के दिमाग में है मेरे हिसाब से। सही, हम लोगों को ये बात बताते हैं कि ट्रेन भी ट्रैक बदलती तो खड़खड़ 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 करती है, तो हम भी अपने लाइफ का ट्रैक बदल रहे हैं तो थोड़ी खड़खड़ होगी। तो 2-4 दिन अगर तकलीफ होती है तो क्या नुकसान है? एक तो 15 दिन सहन, एक तो 2 दिन सहन। जी मैं आप हमें किसी को भी कुछ, मैं तो सबको यही बोलती हूँ कि किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप 15 दिन करके देखिए, आपकी बॉडी बोलती है। अच्छा, आपका तो शरीर बात करना शुरू कर देता है। आपने जब शुरुआत की तो घर वालों ने कुछ सवाल नहीं पूछे कि आप पकाया नहीं खाएंगे तो कुछ हो गया तो क्या होगा, दुबले बन जाएंगे, कुछ तकलीफ बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ सवाल नहीं किया, विरोध नहीं किया घर वालों ने? जी जी, बहुत दिक्कतें आती हैं। हम लोग हरियाणा से हैं और हरियाणा में तो दूध दही ये सब चीजें बहुत चलती है, मतलब मुझे दिक्कतें आई। लेकिन जैसे आपको मैं बताऊं ना, मैंने बताया जैसे मेरे पापा चले गए ना, तो बस दिमाग में एक ये हिट कर लिया था कि अब किसी को जाने नहीं दूंगी अपने परिवार से। अरे वाह, क्या बात है। और यही सोच लिया था कि बच्चों को और अपने पति को, मतलब और मतलब खुद भी नहीं, ये मैं इतना कोशिश करती हूँ कि मेरे को इतना फायदा हुआ, मैं अपने परिवार में से किसी को भी, मतलब कोशिश होगा बीमारियों से नहीं जाने दूंगी। अब सारा दिन मैं यही देखती हूँ, आपकी वीडियो से देखती हूँ और हर एक चीज की नॉलेज लेती हूँ, एक्सपीरियंस लेती हूँ कि नहीं बीमारी से नहीं, भगवान वैसे उठा ले भले। क्या बात है, जाना तो सबको है एक दिन, पर बीमार होकर नहीं जाना है, स्वस्थ रहकर बीमार होकर। हाँ, तो अभी आप अपने अड़ोस पड़ोस या अपने रिश्तेदार या जो भी है फ्रेंड सर्कल, उनको भी आप ये सब साधना समझा रही है, एनडीएस 363 साधना, तो उनका कैसा अनुभव आ रहा है आपको? देखिए, अभी जैसे अभी जब पीछे कोरोना बहुत ज्यादा फैल गया था तो मेरे इनलॉज को कोरोना हो गया, मैं आपको बताती हूँ। तो मेरे हस्बैंड का फोन आया कि
इनको कोरोना हो गया है सास ससुर को, तो क्या करते हैं इनको हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं, और घर आएंगे तो बच्चों को भी दिक्कत होगी और तुम्हें भी दिक्कत हो जाएगी। तो मैं, हम लोग एक साल हुआ एनडीएस फॉलो करते हुए, तो मैंने पति से कहा, मैंने कहा आप चिंता मत करिए, उनको घर ले आइए, वो कोरोना से तो बाद में मरेंगे लेकिन उनको आप हॉस्पिटल छोड़ाएंगे पहले मर जाएंगे, आप उनको घर लेके आइए, आप उनको घर लेके आइए, मैं उनको, मुझे पता है उन्हें कैसे ठीक करना है। मैंने उनको एनडीएस मतलब जहां लोग घर वालों से डर रहे थे, रिश्तेदार अपने को फोन तक नहीं कर रहे थे, ऐसे कोरोना के समय आपको बिल्कुल डर नहीं लगा कि मुझे भी कुछ हो सकता है? जी नहीं, जी नहीं, मैंने 3 दिन में, आप मानिए, मैंने 3 दिन में मेरी सास को कोरोना से बिल्कुल ओके कर दिया था। और हम लोग सब, मेरे बच्चे सब लोग, हम लोग उनके पास जा रहे थे, एक बार मेरा बेटा जा रहा था, एक बार मेरी बेटी जा रही थी, तो मैंने अपने बच्चों को समझाया, बेटा अगर आप लोग इनके पास जाओगे ही नहीं तो ये लोग ठीक कैसे होंगे। तो आपने ये ग्रीन जूस, एनिमा, ये सब कुछ दिया? जी जी जी, मैंने उनको सिर्फ लिक्विड दिया, मैंने उनको पका हुआ कुछ भी नहीं दिया, उनको कोरोना से इतनी जल्दी उनको मुक्ति मिल गई। मेरे हिसाब से कोरोना, मतलब कोरोना कुछ है ही नहीं, जो लोग गए हैं वो गए हैं, जो वो सिर्फ गए हैं इसीलिए कि उनका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं था। तो अभी, अगर तो अभी आपने कोरोना के ऊपर भी रिजल्ट दिया, घर में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया इस साधना के कारण, तो अभी आप अपने जो फ्रेंड सर्कल में भी जो कर रहे हैं, तो इनमें से कुछ रिजल्ट है अभी आपके पास, ऐसा कुछ है जो आपको थैंक करे, आपके प्रति कृतज्ञ है कि आपकी वजह से हमें फायदा हुआ, ऐसे कोई रिजल्ट है तो वो भी बताइए। ऐसा बिल्कुल है जी, मैं जैसे मैंने आपको, मैं बताऊं, जैसे आप न्यू डाइट सिस्टम करके एक ग्रुप मेंटेन किया है, और उसमें जिन लोगों को भी जरूरत होती है, जो लोग भी बीमार होते हैं, मैं उनको सबको मदद करती हूँ। 15 दिन में 2 लेडीज का थायराइड ठीक हो गया। अरे वाह, क्या बात है। हाँ जी, और एक 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 थी आंटी, वो मतलब 6 साल से उनको दिक्कत थी कमर में, 6 साल से उनको कमर का दर्द इतना था, वो जब आई थी मेरे पास तो वो रो रही थी, और उनको इतना डिप्रेशन था, वो मतलब डिप्रेशन की भी मरीज हो गई थी उस बीमारी की वजह से। तो मैंने उनको सब समझाया और उनको अपने ही घर बुलाया, और घर बुला के मैंने उनसे कहा कि मैं आपको एनिमा करवाती हूँ, मैंने उनका एनिमा करवाया, और उनको एनिमा कराने के बाद उनको सारा एनडीएस का सिस्टम समझाया, उनसे हर रोज बात करती, उनको हर रोज डाइट बताती कि आप ये जूस पी लीजिए, उसके बाद ये पी लीजिए, और आप मानेंगे नहीं, 20वें दिन उनका 90% दर्द खत्म हो गया था। क्या बात है, बहुत अच्छा। 6 साल का दर्द उनका 20 दिन में 90% खत्म हो गया था, और अब वो मुझसे मिलने आती है, मतलब वो जब मेरे पास आई थी तो वो सहारा लेके चल रही थी। अच्छा। और अब वो आती है ना तो मेरे, हाँ, वो अब मेरे पास आती है तो वो इतनी खुशी खुशी आती है, वो कहती है अब मैं डांस कर सकती हूँ। और देखो कितना पुण्य का काम किया। जी जी जी, वो मुझे बोलती है, कितने दुआएं मिली। देखो पैसा हम लोग कहते हैं सब कमा रहे हैं, सबके पास भर भर के है, पर ये दुआएं कहाँ से लाएंगे, ये तो पैसे से नहीं मिलती, और आपने कितना पुण्य का काम किया है। जी जी जी, वो मुझे बोलती है, कहती है मैं मर जाऊंगी लेकिन आपका शान नहीं भूलूंगी। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया, आपने बहुत मेहनत की अपने शरीर के लिए, अगर आप अपने शरीर के लिए मेहनत करेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। बहुत अच्छा, मतलब आपको दिल से बहुत सारी खुशियां मिल रही है, और आपको अनुभव भी आ रहा है कि केवल हमारा परिवार नहीं स्वस्थ हो रहा है, तो हमारे से रिलेटेड जो भी लोग है उनकी सेवा करने का भाव जागृत हो रहा है, इसीलिए इसको बताइए। एक दिल्ली से थी एक आंटी, उनका ऐसे ही लिंक में, ऐसे ही एक दूसरे से लिंक करते करते उनका मेरे पास फोन आया, कहते बेटा आप मुझे ये एनडीएस सिस्टम समझा सकते हो? मैंने कहा बिल्कुल समझा सकती हूँ। तो उनको मैंने समझाया, वो उनका 1 महीने में 12 किलो वेट चला गया, 12 किलो वजन चला गया, और उनके घुटनों में इतना दर्द था, उनको गैस की इतनी प्रॉब्लम थी, इवन उनकी बेटी को भी थी ये दिक्कतें। मैंने उनको सारा समझाया, उनकी बेटी से भी फोन पे बात करती, उनसे भी फोन पे बात करती, और उनको समझा के अब वो इतने खुश हैं, वो मुझे हर हफ्ते फोन करके बोलते हैं कि आपने हमारा जीवन बदल दिया।
एनडीए सिस्टम मतलब जी बोलिए 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 देखिए जो ये न्यू डाइट सिस्टम है ना, ऐसे जाते हैं लोग पतले होने के लिए, कहीं जाते हैं कि डाइटिशियन बैठे हैं जगह जगह सेंटर खोल के, उनको डाइट्स दे रहे हैं, वजन कम करना है, लोग इतनी मेहनत करते हैं वजन कम करने के लिए, वजन कम नहीं होता, साथ के साथ बीमारियां कम नहीं होती, लेकिन न्यू डाइट सिस्टम से वजन कम हो रहा है, बीमारियां खत्म हो रही है। मतलब आप मानिए, घर में अगर कोई एक इंसान बीमार होता है ना, वो एक इंसान बीमार नहीं होता, वो घर बीमार हो जाता है, क्योंकि उस घर में कोई खुशी नहीं रहती। आज आपके घर में जो खुशियां आपके चेहरे से मालूम हो रही है कि आप कितना कितना बोलू और कितना ना बोलू, यह आपका एक साल का तप है, इसीलिए तप सेवा सुमिरन है। और ये जो आप खुशी बांट भी रही है उसका भी अलग एनर्जी आपके ऊपर महसूस हो रही है। तो इस कच्चे सी ताकत ये कितनी एनर्जेटिक है। जो लोग बोलते हैं कच्चा खाएंगे तो एनर्जी आएगी क्या, तो आपके वो देखकर लगता है कि ये लोगों के वहम है कि केवल पकाए भोजन से ही एनर्जी आती है। जी मैं जब कहीं जाती हूँ तो मुझे सब बोलते हैं, अरे तुम्हारे फेस पे इतनी ग्लो कैसे आ गई। तो मैंने कहा, मैं उनको सबको बोलती हूँ कि मैं सारा दिन जूस पीती हूँ तो मेरी ग्लो कहाँ जाएगी। तो सब बोलते हैं कि अरे तुम अपना सिस्टम मुझे भी समझाइए, समझाओ समझाओ। तो मैं सबको बोलती हूँ कि तुम जो ये पका हुआ खाने के चक्कर में जो पड़े हुए हो ना, सोच रहे हो कि दो रोटी खाएंगे नहीं तो चल नहीं पाएंगे, तो घोड़ा क्या खा रहा है बताओ, और आप वो रोटी छोड़ के तो देखिए, अगर मर जाए तो मर जाए। बराबर, पर मरने वाले तो है नहीं, भगवान तो जितनी सांसें उतने तो रखे है, ऐसे कैसे मरेंगे। भगवान जी, भगवान ने तो ये जीवन दिया था जीने के लिए, लेकिन ये खाना जो खाना पीना जो हमारा जो खराब है, और जो ये बीमारियां लगने के बाद जैसे हॉस्पिटल्स डॉक्टरों ने मतलब जीवन को बना दिया ना, वो बहुत गलत किया है। मतलब खाने पीने से ही मैं देखती हूँ कि इतना मैजिक, 15 दिन के बाद जब मुझे कोई आके ये बोलता है ना कि सोनिया जी हमारी ये समस्या है ना खत्म हो गई, यहाँ से हमारा दर्द निकल गया, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं नाचने क्यों ना लग जाऊं उनके साथ। हमारा वजन बढ़ जाता है जब हम उनकी ये बातें सुनते हैं ना, तो हमें फायदा हुआ तो ये सुनकर हमारा अपने आप वजन बढ़ता है कि हमारे भी शरीर पे एनर्जी आने लगती है कि अरे हमारा रास्ता सही में डिवाइन है और लोगों को बहुत सारी खुशियां दे रहा है। तो जी बहुत खुशी होती है जब आप जैसे, हाँ बोलिए, जैसे जब लोगों को मैं देखती हूँ ना, सुनती हूँ कि उनका ये ठीक हो रहा है, ये ठीक हो रहा है, मुझे भी खुद ऐसा एक्सपीरियंस होता है, मुझे भी नॉलेज मिलती है कि अरे वाह ये चीज भी ठीक हो रही है इससे, अरे ये तो बहुत अच्छा हो रहा है। ये तो मुझे खुद लगता है। और एक चीज और है कि हाँ। कहीं मैंने पढ़ा था कि अनजानों के घाव सिलकर जो सुकून मिलता है ना, वो बयान नहीं हो सकता। सही है, दूसरों के दुखों को हम क्या कहते हैं, बांट नहीं सकते, पर हल्का तो कर सकते हैं ना, कम से कम हमारी बातों से अगर किसी को फायदा हो रहा है तो क्या फर्क पड़ता है कि हम बताएं अपने अनुभव शेयर किए। आपने जो हिम्मत दिखाई फोन के ऊपर आपका अनुभव शेयर करने की, इसको भी बहुत शेर दिल कहते हैं, यह हर एक आदमी नहीं आता आगे। लोग कहते हैं कि हमें पूरा फायदा होगा तब हम करेंगे, अरे पूरा फायदा कैसे होगा, धीरे धीरे होगा, ये साधना है, कोई कोर्स थोड़ी है, और ये शरीर है हड्डी मांस का पुतला है, इसमें तो भोग है तो रोग होने ही वाले हैं। तो आपको जो भी फायदा जितना भी परसेंट होता है आप बांटते जाओ, आप जितना बांटोगे उतना जल्दी रिजल्ट मिलेगा। तो आप राह क्यों देखते हो कि आप 100% रिजल्ट मिलेगा, धीरे धीरे मिलता जाएगा, पर जितना फायदा हुआ है उतना बांटो तो सही, शेयर करो तो सही। तो आपने बहुत बढ़िया काम किया है, अभी भी आपके पास और बहुत सारा बताने लायक है, आप जरूर शेयर कीजिए, और भी आप बताना चाहते हैं बताइए। देखिए जो डॉक्टर्स है ना, उन्होंने ना लोगों को इंसान, मतलब डॉक्टरों से भी मैं देख रही हूँ कि इंसानियत खत्म हो चुकी है। एक छोटी सी बीमारी को शुगर, आप शुगर लीजिए, थायराइड लीजिए, हर घर में शुगर, हर घर में थायराइड, मतलब माना क्या, जितने घर में इंसान है, जितने बुजुर्ग हैं, सबको शुगर थायराइड, और डॉक्टर्स क्या करते हैं, ये गोली लीजिए, ये टेबलेट लीजिए, आप उनको लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, आप इंसानियत दिखाइए। मतलब मेरे हिसाब से शुगर कुछ भी नहीं है, 15 दिन का आप जो डाइट चार्ट लेते हैं एनडीए सिस्टम का, शुगर मुझे पता ही नहीं चलता कि शरीर से कहाँ चली जाती है, नॉर्मल हो जाती है।
थायराइड खत्म, 15 दिन में थायराइड खत्म हो जाता है, 3-3 दिन में ब्लड प्रेशर के इतने पेशेंट्स हैं कि मतलब हर घर में जिसको देखो ब्लड प्रेशर है। लेकिन एनडीएस सिस्टम फॉलो कीजिए, न्यू डाइट सिस्टम से, कच्चा जब हम लोग खा रहे हैं, जो हम लिक्विड पी रहे हैं, सबसे मेन चीज क्या है, सबसे आपकी वीडियो से हमें पता चलता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो निर्जला उपवास है, वो मैजिक है, वो अपने आप में एक दवाई है। तो आप जो कर रहे हैं इसमें, आपने रसाहार करते समय कभी किसी पाउडर का इस्तेमाल किया कि अभी ग्रीन पत्ती नहीं है तो चलो ग्रीन पाउडर खा लूं, या आपने ऐसा किया कि आज मैं 10-10 बार एनिमा करती हूँ, ऐसी कोई जरूरत पड़ती है आपको? नहीं नहीं ऐसा मैंने पाउडर कुछ यूज नहीं किया, क्योंकि भगवान की देन से नेचुरल चीजें बहुत है। हमें पालक मिलता है, 12 महीने पालक मिलता है, सही बात है, और तो सीजन के हिसाब से। हाँ, तो ये जो पाउडर वगैरह है, हम कहते हैं कि जैसा खाओगे वैसा बनोगे, तो पाउडर ड्राई होती है, तो आपको पाउडर लेके क्या आनंद मिल रहा है मुझे पता नहीं चलता। हम लोगों को कहते हैं जितना नेचुरल लोग है उतना लोग, अगर हरी पत्तियां नहीं मिलती इमरजेंसी में तो फल खा लो, पर ऐसे किसी रास्ते पे मत जाओ जिससे आपका जो रिजल्ट है वो लेट जाएगा, उतना फायदा नहीं होगा। और एनिमा जो आपने लिया, दिन में 1-2 बार लिया होगा या 10-10 बार किया, आपको ऐसा लगा कि ज्यादा एनिमा लेने से ज्यादा फायदा होगा, ऐसा होता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बस क्या है कि लोगों के दिमाग में है कि एनिमा लेंगे तो आदत पड़ जाएगी, एनिमा करने से तो ये तो हर रोज नहीं करना चाहिए, ये तो नेचुरल नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एनिमा करने से तो 15 दिन जो हम लोग शुरू में एनिमा करते हैं 2 टाइम, उसके बाद करने के बाद 15 दिन में हमें मतलब इतना हल्का महसूस होता है एनिमा करने के बाद, यूं लगता है कि जैसे मतलब शरीर उड़ने लग जाता है। सही है। जी ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या मिल गया हमें, मतलब क्या खो के पता नहीं क्या मिल गया। बहुत अच्छा महसूस होता है एनिमा। अच्छा, सबसे सबसे मेन चीज सब लोगों को जो करनी चाहिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग, निर्जला उपवास, ज्यादा से ज्यादा, सबसे ज्यादा, सबसे पहले तो ये निर्जला उपवास ही करना चाहिए। जो लोग हम लोग सोचते हैं कि सुबह उठते ही नाश्ता बनाए और नाश्ता पूरे परिवार को खिलाएं, सबसे ज्यादा नुकसान हम अपने परिवार का कर रहे हैं। सबसे पहले निर्जला उपवास करना चाहिए, उसके बाद आप एनिमा कीजिए, एनिमा करने के बाद आप ग्रीन जूस लीजिए। ग्रीन जूस अपने आप में एक गिफ्ट है, नेचुरल गिफ्ट जो कहते हैं, गॉड गिफ्ट है। उसके बाद आप सीजन के हिसाब से जो चीज भी अवेलेबल है उस चीज का जूस पीजिए। लोग मुझे पता क्या कहते हैं भाई साहब, कहेंगे अरे 2 रोटी नहीं खाई तो कैसे चलेंगे हम। जब आप 2 रोटी खा रहे हो उसकी जगह जब आप लिक्विड इतना नेचुरल जूस पी रहे हो, वो जाके सीधा बॉडी में लग रहा है। पता नहीं लोगों की साइंस कहाँ चली गई है। कितना इजी आप समझ गए, क्योंकि हम कहते हैं इतना इजी समझाने के बाद भी लोग समझते नहीं है, पर आपने बहुत ही, आप हमसे मिले नहीं सिर्फ यूट्यूब पर मिले है, फिर भी आपने 1 साल से आप साधना कर रहे हैं, जुड़े हैं, और आप उसका अनुभव ले रहे हैं, और केवल खुद अनुभव नहीं ले रहे, आपका परिवार के साथ, आपका जो भी रिश्तेदार है या जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है, उन सभी को आप फायदा दे रहे हो। तो इतनी इजी बात लोग कैसे नहीं समझते, हमें ये दुनिया का बहुत बड़ा आश्चर्य लगता है, समझ ही नहीं आता है कि लोग क्यों नहीं समझते। पता नहीं लोग समझ क्यों नहीं पा रहे हैं। मैं कहती हूँ कि लोग जाके डॉक्टर्स के पास बिना पूछे, उनके एक बार बोलने से, हाँ जी आप ऑपरेशन करवाना है, इतना खर्चा है और आप ये ऑपरेशन करवा लीजिए, वो अपनी मेहनत की कमाई, इतनी मेहनत की कमाई जो दिन रात लगा के वो करते हैं मेहनत, वो जाके हॉस्पिटल में देते हैं, एडमिट होते हैं, ऑपरेशन करवाते हैं, और उसके बाद वो इतना परेशान रहते हैं, वो बीमारी, वो जब वो ऑपरेशन करते हैं तो उसके बाद 4 प्रॉब्लम्स और निकल के आती हैं शरीर के अंदर। तो इससे बेटर है कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कीजिए। जब आप जैसे लोग हमें गाइड करने के लिए बैठे हैं, जब आप लोगों की जिंदगी है ना, एक वरदान से कम नहीं है। मतलब आप लोग भी तो अपना समय दे रहे हैं, आप लोगों के पास क्या परिवार नहीं है, बताइए। जब आप लोग अपने परिवार के साथ, आपके लिए आपका परिवार भी है, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी जिंदगी को एक वरदान बनाने में लगे हुए हैं कि सब लोगों को बीमारियों से बचाया जाए, तो क्या लोगों को आपकी मदद नहीं करनी चाहिए इस चीज में? मैं तो कहती हूँ चिल्ला चिल्ला के लोगों की मदद करनी चाहिए।
मैं बताती हूँ भाई साहब, मैं जैसे अभी मैं आपसे इतना ऑर्डर करके पॉट लोगों को दिया है मैंने, तो लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ये था कि मुझे अपना लिंक ज्यादा बढ़ाना चाहिए। तो मैंने कोशिश की कि मैं सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक जाती हूँ पार्क में, और वहां पकड़ पकड़ के लेडीज को, जिनको जो प्रॉब्लम हो, बोलती हूँ कि आप ऐसे ठीक हो सकती हैं, और आप ऐसे करिए, और आप एक काम कीजिए मेरे पास आ जाइए। मैं उनको घर बुलाती हूँ, मतलब हमारे यहाँ मेरे इन-लॉज भी देखते हैं कि पता नहीं ये क्या कर रही है और कैसे इसके पास लेडीज हर रोज आ रही हैं। तो लेकिन मैंने तो अपने जीवन को यही सोच लिया है कि मरते वक्त कोई भगवान से गिला शिकवा नहीं करना है, खुशी खुशी मरेंगे, लेकिन मरेंगे जब जब अपनी खुशी से, कि जब ये हो कि हाँ जो किया है वो अच्छा ही किया है। मेरे बच्चे हैं, दोनों बहुत पढ़ते हैं, दिन रात बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन मैं उनको यही कहती हूँ कि बेटा जल्दी से तुम कमाई करने लायक बनो, ताकि लोगों की मदद कर सके। गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। क्योंकि खुद के लिए तो पशु भी जी रहा है, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी तो पशु भी करता है, पर हमें भगवान ने मनुष्य जन्म दिया है सेवा के लिए, और आप सही सेवा कर रहे हैं। त्रिसूत्री साधना के तीनों जो अंग है आप सही कर रहे हैं। आप तप भी कर रहे हैं, यानी भोजन परिवर्तन भी किया है, आप पकड़ पकड़ के लोगों को समझा भी रहे, आप सेवा भी कर रहे हैं, और जो माने ना माने फिर भी आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये वीडियो के माध्यम से तो आप लाखों लोगों तक पहुंचने वाले हैं। और तीसरी बात, आप सुमिरन में भी बहुत मास्टर है, आप सुमिरन भी बहुत अच्छा घर में भी करते हैं, ये सब मुझे पता है। तो आप सही में त्रिसूत्री साधना का फॉलो कर रहे हैं, इसलिए आप बहुत अच्छा अनुभव शेयर कर सके। तो आपके इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी साधक को यही प्रार्थना करता हूँ कि आप हो सके उतना आपका अनुभव शेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके बातों से क्या पता कहाँ दुनिया में बैठा हुआ कौन आदमी आपसे प्रेरणा लेकर स्वस्थ हो जाएगा, और उसकी दुआएं कब आपको कितनी लगेगी आपको पता भी नहीं, आपने कितना बड़ा काम कर दिया है। तो मैं सबको यही प्रार्थना करता हूँ कि कोशिश करो, एक 2, 5, 10 मिनट आपकी जिंदगी के अगर आप लोगों के लिए दे रहे हैं वीडियो के माध्यम से, तो जल्दी उसका फायदा लोगों को हो जाएगा, और एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि अरे ये महाराष्ट्र में बैठा है किरण भाई, ये बैठी है हरियाणा से सोनिया ताई, ये तो दूर दूर के लोग हैं, और फिर भी देखो कैसे जुड़े हैं। तो ये डिवाइन रिलेशनशिप है हमारी, जो दैवी भाईचारे का भी रिश्ता बढ़ता है। तो मुझे लगता है कि ये साधना से हम लोग ऐसे जुड़ रहे, एक डिवाइन परिवार भी बढ़ रहा है इसका। तो मुझे लगता है कि सभी से मैं फिर से कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि आप भी कोशिश कीजिए, सभी लोग भी कोशिश कीजिए कि आपने वीडियो शेयर करें, आपके अनुभव शेयर करें। तो सुनिया जी, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने खुलकर अपना अनुभव बताया, और जिस एनर्जी के साथ और जिस भीतर के, मतलब क्या कहते हैं, कि पूरे समर्पित भावना से जो आपने अनुभव बताया है, तो सही में इसका दुनिया को बहुत फायदा होने वाला है। तो आपका मैं बहुत 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 आभारी हूँ। तो आपको अगर लास्ट में कुछ लोगों के लिए, अपने साधु के लिए 2 शब्द कुछ बोलने हैं तो आप बोलिए, फिर हम ये यहाँ पर मुलाकात बंद करेंगे। मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ कि जो लोग अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं, और जाके जो लोग हर महीने मंथली पेमेंट देते हैं, ईयरली पेमेंट देते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस में पैसा डालते हैं, सोच के कि जब हम लोगों को बीमारियां आएंगी तो उस टाइम पे हमें ये इंश्योरेंस काम आएगा, या फिर भगवान ना करे अगर हम लोग गुजर भी जाए तो उसके बाद हमारी फैमिली के लिए काम आएगा। NDS सिस्टम फॉलो कीजिए, आपका ये नेचुरल हेल्थ इंश्योरेंस है, मतलब आप लोग बहुत ये इंश्योरेंस करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहेंगे। ये NDS सिस्टम का मतलब है कि आप अपना लाइफ टाइम इंश्योरेंस करवा रहे हैं, उसके सही बात बाद है। आप अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहिए। बिल्कुल, हर मतलब मैं तो कहती हूँ कि संसार से सारी बीमारियों को ही खत्म कर सकते हैं हम लोग, लेकिन एक दूसरे से जुड़कर, एक दूसरे की मदद कर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी आपने सलाह दी है कि ये इंश्योरेंस आपके जाने के बाद घर वालों को काम आएगा, पर अभी ये इंश्योरेंस खुद को काम आ रहा है, और ये अनुभव कर रहे हैं कि हम कितना स्वस्थ है, और हम पूरा सीना तान के कह सकते हैं कि 100 साल तक तो हमें कुछ नहीं होने वाला, आखिर भगवान को जितना रखना है उतना रखे, पर स्वस्थ होकर जाएंगे, बीमार होकर नहीं जाएंगे, और ये केवल इसी रास्ते से मुमकिन है, दूसरा इसके सिवा रास्ता स्वास्थ्य का नहीं है। तो
बहुत 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 ही शुक्रिया, आपने बहुत ही अच्छा और दिल से ये सब समझाया है। मैं बहुत खुश हो गया हूँ कि आपने इतना अच्छा तरीके से समझाया। तो आपको फिर से एक बार नमस्ते और सबको फिर से एक बार जय तुलसीराम। नमस्ते नमस्ते।